गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बीके आज आपके बीच में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, और वो है हमारे बीच कि प्री वर्कआउट में हम क्या लें, एक्सरसाइज से पहले हम क्या खाएं, जिससे जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है हमारे बीच एनर्जी बनी रहे। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए दो चीज़ें, या आप पोटैटो खा सकते हो या आप बनाना खा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी बनाना है उसको हम कैसे खाएं, कितना टाइम पहले खाएं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम बनाना खाएं तो एक्सरसाइज से 40 या 45 मिनट्स पहले खाएं, क्योंकि जब आप 40 या 45 मिनट्स पहले खाएंगे तो वो इजली से है आपके पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आप जब भी वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट के टाइम पे जो है वो आपको फुल एनर्जी देगा। तो सबसे ये बात ये है कि 40-45 मिनट पहले आप खाएं। और उसके बाद जो है कई लोग क्या करते हैं कि जब भी एक्सरसाइज लगाते हैं, एक्सरसाइज से 5-10 मिनट पहले जो है बनाना खाते हैं, और या एक्सरसाइज का एक या दो सेट के बाद जो है बनाना खा लेते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज लगाने से 5-10 मिनट पहले आप बनाना खाते हो तो उसमें क्या होता है कि वो आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। जब तक डाइजेस्ट होता तब तक आपका जो है वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट से पहले अगर आपने कोई भी प्री वर्कआउट में कुछ भी चीज़ खानी है तो 40 या 45 मिनट से पहले खाओ। चाहे बनाना ही खाना है, चाहे आप पोटैटो खाओ, चाहे आपने कोई शेक पीना है, एनर्जी ड्रिंक पीनी है। एनर्जी ड्रिंक का चलो 15-20 मिनट पहले भी होगी, बट जो भी चीज़ हमने खानी है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, ये 40-45 मिनट पहले खाओ। क्योंकि इतने टाइम पहले हम खाएंगे तो जब हम वर्कआउट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो पच जाएगा, जिससे जो है हमारे बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों, ठीक है, आई होप आप सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।